अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, हाफिज साहब के सारे उम्र अच्छा हो गया और फैसिलिटीज पूरी अच्छी थी। हाफिज साहब तो उम्र वगैरह अच्छा कराए, बहुत अच्छा कराए, कुछ भी तकलीफ होने नहीं दी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी हर एक परेशानी को दूर करे। हाफिज साहब की हमारी हर खिदमत सर अंजाम दिए, पूरे ज्यारत अच्छा सहूलत से कराए, सब आराम से हुआ। अम्मा नूरी पेश कर रहे हैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र पैकेज। ये ग्रुप 22 या फिर 23 सितंबर को रवाना होगा और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में होगी, लिहाजा आज ही बुक कराइए। अम्मा नूरी टूर एंड ट्रेवल्स, हाशमिया कंपाउंड, रायचूर। राब्ते के लिए फोन नंबर है 9886928326। एक और फोन नंबर नोट कर लीजिए 9591039925। नाजरीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। शहर रायचूर दो नदियों के दरमियान वाक़ा है, इसलिए इसे दोआबा कहा जाता है। रियासत के दूसरे अजला वाले या फिर दूसरे मुकामात वाले समझते हैं कि रायचूर में चूंकि दो नदियां हैं लिहाजा रायचूर वालों को पानी की कोई कमी नहीं। अगर देखा जाए तो हकीकत में ऐसा ही है कि रायचूर में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बल्दिया की लापरवाही से और सही इंतजाम ना होने की वजह से रायचूर शहर के अक्सर मोहल्लाजात में आए दिन पानी की कमी की, पानी की किल्लत की शिकायतें सुनने में आती रहती हैं। ऐसी एक शिकायत गुज़श्ता 2 माह से रायचूर शहर के वार्ड नंबर 33 हरमरस कैंप में वाक़ा KHB कॉलोनी में वाक़ा हुई है। हालांकि यहां पर एक पानी की बड़ी टंकी मौजूद है, लेकिन इसकी मोटर ख़राब होने की वजह से यहां से गुज़श्ता 2 माह से पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां के साकिनान को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक सोशल वर्कर मोहम्मद रफ़ी ने यहाँ पर बोरवेल के जरिए एक पानी की टंकी तामीर की है, जिसका कनेक्शन बोरवेल से है। इसी बोरवेल के पानी से पूरी कॉलोनी सैराब हो रही है, लेकिन जहाँ तक पीने का पानी का मसला है तो बाहर जाकर या तो पानी लाना पड़ रहा है या फिर मिनरल वाटर का सहारा लेना पड़ रहा है। पकाने के लिए तो दूसरे मोहल्लाजात को लाकर पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे में KHB कॉलोनी के साकिनान ने बल्दिया से मुतालबा किया है कि यहाँ पर पीने के पानी की मौसर सरबराही की जाए और पानी की किल्लत को दूर किया जाए। इन्होंने कहा कि अगर इस टंकी की मोटर भी रिपेयरिंग कराई जा सकती है तो कराई जाए, या फिर दीगर ज़राए से यहाँ पर पानी फराहम किया जाए ताकि यहाँ के साकिनान को सुकून और चैन की सांस लेना मैसर हो। इसके अलावा यहाँ पर बल्दिया से और भी कई शिकायत सुनने में आई, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स का यहाँ पर इंतजाम नहीं है, क्योंकि इस इलाके के आगे दरख्त और सुनसान इलाके आते हैं की वजह से रात के वक्त यहाँ पर मोजी कीड़े सांप वगैरह आने के भी इम्कान रहते हैं। ऐसे में अंधेरे में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं हो तो किस तरह यहाँ पर मकानों को आया जाए, किस तरह यहाँ से गुजरा जाए। इसके अलावा यहाँ पर गौर किया जाए तो सफाई का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। ऐसे लगता है कि बल्दिया इस एरिया को भूल चुकी है, लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया कि बल्दिया कमिश्नर को और ज़िला इंतजामिया को चाहिए कि एक मरतबा KHB कॉलोनी का दौरा करें और यहाँ के आवाम की तकालीफ को सुने और उसकी यकसोई के लिए काम करें। वार्ड नंबर 33 जो कि यरमरस कैंप के बिल्कुल करीब मौजूद है, जो हाउसिंग बोर्ड के नाम से मौजूद है। यहाँ से कम 400 से 500 घर है, मकानात है, मगर यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है और साफ़ सफाई नहीं है, और ख़ास तौर पे जो है ना यहाँ पे लाइटों का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ के लोग एक आदिवासी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं आके जब इन लोगों से पूछा तो ये लोग बता रहे थे कि पिछले 10 दिन से यहाँ पे पानी नहीं है। मैं ताज्जुब है, 2 महीने से नहीं, नहीं वैसे तो 2 महीने हुआ, मैं मानता हूँ इस बात को, मगर पिछले 10 दिन से तो है ना बिल्कुल पानी नहीं है। यहाँ से वहाँ से जो है ना ये लोग पानी ला कर जो है ना गुजारा कर रहे हैं। इनका दर्द इनकी ज़ुबानी से सुनेंगे कि यहाँ पे ये लोगों का प्रॉब्लम क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। पहले तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे है ना कुछ लाइट वगैरह नहीं है, और पानी तो 1.5 महीना हो गया तकरीबन, कुछ भी नहीं है, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नल नहीं छोड़ते, कोई भी बोले तो कोई भी पानी नहीं है। 8 दिन ना था, नल फूट गया, सब पाइप वाइप फूट गए, यही बोलने का है। और दूसरी बात बोले तो यहाँ कोई देखने को नहीं है, काउंसलर बने, कोई काउंसलर भी नहीं आता, बजट नहीं है बोले काउंसलर पानी। अब पानी लेडीज कहाँ पे जाके लाना, काउंसलर यहाँ पे आते हैं क्या? नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। फोन करे तो भी फोन है ना बिजी में डाल देते, बिजी में डाल देते। हाँ नहीं मालूम, फोन है नहीं मालूम, MLA फोन है नहीं मालूम, तो कोई कर रहा नहीं कुछ। आप आइए, आप आइए, सामने रोड सामने आइए, దాదా పా ఇంట్లో ఔజంబడ 7 కింట్లో ఎవరికి నీళ్ళు లేవు, మళ్ళీ ఏం చేయమంటే పాము, నెల 2 నెలలు అయ్యా ఆటోళ్ళు ఇంట్లో పండుకుంటారు, లేస్తారు లేదు వాళ్ళకి గొత్తలేదు, మగవాళ్ళు ఏం చేయాలి మళ్ళా?
क्या बोलते हैं पचटनी है, कोई बोलता है उसमें पचटनी है, हम क्या कर सकेंगे, पानी नहीं छोड़ते बोलते बोल रहे। दो महीने का कहे तो हमारे घर में बच्चे रहते नहीं रहते पानी लाने वाले, छोटे छोटे बच्चे हम लेकर कहाँ जाएंगे, दो महीने से पानी नहीं भरते, बोले तो पानी छोड़ने वाले क्या बोलता है, नहीं बचटनी है माँ हम नहीं छोड़ते पानी, उनको जाको बोलो जाओ, उनको जा कंप्लेट करा रहे हो तुम्हें क्या बोलते, मैं क्या करूँ माँ, हाँ बचत नहीं है बोलते बोलते नहीं है बोलते, क्या बोलते मालूम, जाओ वहाँ जाके कंप्लेट करता जाओ उनको छोड़ दे, एयर मरस कंप्लेट करो बोलते, वहाँ बोले तो क्या बोल रहे नहीं माँ बचत नहीं है तहसीलदार है उसमें हम क्या करेंगे, बोलते दो महीने से ठीक पानी नहीं है, पानी बाईपास को काम पड़ गया, बाईपास को काम पड़ा पाइप, एक दिन यहां पर पाइप लगा हुआ है, कौन तरह से पाइप काम पड़ा बाईपास को, क्या करेंगे अब बोलते हैं नीर हमारा वाला मत नीर मत देखो मत चाचा उधर नहीं आता पानी अल्लाह क्या कर रहा है चाचा के बच्चे को एक दिन आता है एक बच्चा आता है नल और ये खड़ा खड़े चु एक खड़े दो खड़े चु उससे ज्यादा नहीं छोड़ता पानी, 5 मिनट से ज्यादा नहीं छोड़ता, नहीं 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 यार नहीं नहीं ना करते हो लेटर है रवि का जो है कर मंगा ले रहे हैं आप लोग आपके पैसे पैसे लेके मंगा 500 रुपए में एक टैंक कितने लोग कितने घर दो जने मिलके मंगा लेते हैं, कभी ऐसे नहीं मिलते हम सभी के सहूलत देके मंगा लेते, अब ये काउंसलर का काम है टैंकर तो भेजना कंपलसरी, वो भी नहीं भेजते हो ना लेडीज का क्या करना भेजा क्या भेजा कहाँ ऐसा बोलना भेज रहा बोले ऐसा क्या होता दो महीने से है, इससे पहले नहीं था, इससे पहले नहीं आता अच्छा छोड़ता था पानी, ये दो महीने से तकरीबन पानी नहीं है यहाँ के साकिन वसीम जो के बहुत दर्द लेके जो है ना मुझे फोन किए थे
बहुत परेशान है, यहाँ के लोग भी परेशान है। इन्हीं का हाथ है, इन्हीं की जुबानी से पूछेंगे इनका घर क्या है और क्या बोलना चाह रहे हैं। पानी के परेशानी से बुलाया मैं, इतने दिनों से परेशान है, 2 महीने 6 महीने 5 महीने नहीं 2 साल से परेशान है। 2 साल से मोटर खराब है, वो टाकी के पास मोटर खराब कुछ हाउस है, वो इतना गलीज है, वो हाउस में पानी डाल को भी डाल तुम्हारा सही देखा गया तो वो हाउस में भी पानी छोड़ के टाकी में नहीं चढ़ाना, वहाँ पे मोटर होना है उसको पानी में। टाकी जब चढ़ा रहा उन्हें, पानी चढ़ाने वाले का कसूर नहीं है, पानी चढ़ाने वाला चढ़ा रहा मगर वहाँ पानी ऊपर चढ़ने के वास्ते उसको कोई मोटर नहीं है। 1.5 से 2 लाख रुपए की कुछ मोटर रह गए थे, वो 2 साल से लाने में थे, आज तक नहीं है मोटर। वो पानी है और वो हाउस भी, वो हाउस में नहीं छोड़ना, दूसरा नया हाउस बना के उसमें छोड़ के पानी वहाँ से चढ़ाए तो सही। वो गलीज हाउस में सुअरा मरे, सो अदविया मर गए, कुत्ते मरे, क्या क्या मरेगी, वो हाउस में पानी छोड़ के छोड़ तू बोला तो वो पानी कैसा पीना, वो भी गलत है। ये रोडा एक दौर में खोदे, 3 साल हो गया, आदमी क्या है नीचे से जमीन खोद खोद को ऊपर घर अंदर कर ले रही, रोड ऊपर रुक जा रही, हुआ रोड घर हमारे अंदर हो गए, हवा पानी बारिश है नहीं, आने का सोचते रहता, अभी ऊपर प्लानिंग चलते रहती, बारिश होने की क्या करंट चले जाता, इतना परेशान है। खेड़े गाँव में बेहतर है, 24 घंटे करंट है, दूसरे के बाजू खेड़े गाँव में हमारे पास हवा आती किस करंट चले जाता, बारिश बादल होती किस करंट चले जाता, इतना हम लोग का परेशान है। सुना सुना के थक गए, काउंसलर को बोला, MLA को बोला, MP को बोला, कमिश्नर म्यूनसिपालिटी कमिश्नर को बोला, क्या MP है नहीं है, कौन है नहीं है, नहीं समझ में नहीं आ रहा कहीं भी नहीं बोला मैं, किसको क्या बोले तो करने वाला नहीं है। वोटिंग के टाइम आना, वोटिंग डालने ना चले जाना, ये काम के हमारे को कोई मदद करने वाला नहीं है। पूरा एरिया सर्वे करो, 700 से आगे बना है, बाजू के कॉलोनी टचअप है, बाजू के कॉलोनी से यहाँ तक हमारे वोटिंग में फिर कर देखो, हर हर गली में एक लाइट जो हो सके लगा लेना। मेरे घर का जो मैं गली में अंधेरा है उसको मैं लाइट लगा दिया, वही साहब यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट की ये नहीं है, वैरा को देखो तुम जरा हवा आती है ये होके वैरा इसके मिल गए इसको इतने वायर क्यों, 5 वायर है उसमें, 2 वायरों में सप्लाई है, एक ही लाइन चालू है, पूरे हाउसिंग बोर्ड को दो लाइन दिया उन्हें, एक लाइन में छोड़े है, एक तरफ छोड़ा 5 वायर चालू नहीं है, सिर्फ एक लाइन चालू है उसमें क्या साहब। और हवा आई तो इतना झूला झूल रहे वायर, वो हवा आते कि मिल जाते, मिल के फुड़के डैमेज होके वायर गिरा था, वो ऐसा कुछ हो गया, कोई मर गया, काउंसलर का काम है, म्यूनसिपालिटी का काम है, इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक वाले का काम है, ये लोगों को बोल के कम्प्लेन दे के 2-5 साल से नहीं, डबल फेस आ रहा था, न्यूट्रल नहीं था हमारे पास, आप बोले कम्प्लेट कितने जने की देने के बाद वो न्यूट्रल निकाल के न्यूट्रल भी फेस करे सोए, नहीं तो 2 लाइन एक ही छोड़ छोड़ रहा था, बोल तो क्या तो मर गया, घर में करंट आ रहा था, इतने बहुत परेशानियां थी हमारे को, अभी भी है पानी से हम लोग तंग आ गए। क्या ये रफू भाई का अल्लाह अच्छा रखो, रफू भाई एक टैंकी लगाए सो है, वक्त वाहिद हमारे घरे नहीं है, वो ले एक 2 घड़े 4 घड़े पानी ले जा भर ले खाते उनके, वो भर रहे बोलकर हम लोग जरा पानी पी रही जरा धो ले खा रही, नहीं तो वो धोने को भी पानी नहीं हमारे पास, वो नो बस पानी हमारे घरे रईचूर में 2 नदियां है, पानी हमारे घरे किल्लत है, नदियां नहीं है वाले घरे पानी की किल्लत नहीं है क्या घर में हर एक जना, नहीं भाई हमारे को नहीं कह सकते, खाली वोटिंग के टाइम आते वो तो हमें भी वोटिंग के टाइम नहीं पहचानते, और नहीं तुम ये पानी के लाइन सही नहीं कर सकते तो हमारे को हर घर को एक बोर डाल को दो, एक कौशलर ये कौशलर कौन कौन है क्या क्या है नहीं मालूम, मगर है सो वाले आपको कौन सी तो भी सर्वे करके गली में कौन सी तो वो एक चौक को एक 4 जगह बोरा दलाए नहीं दलाए, ना एक कोई बोर दलाते है ना एक स्ट्रीट लाइट दलाते, इलेक्शन आए को तो रोडा अच्छे दिखती साफ दिखती, तो अब ये करती लाइटा गीटा डाल लेक जाती, इलेक्शन होती की लाइटा निकाले जा छोड़ती क्या है घर को, एक लाइट नहीं दिखती, पूरा सर्वे करो। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना इलेक्शन आने के बाद बाइकॉट करते हो, वोट नहीं डालते बोले, आप एक डालने से कितने होता है लोग जो है ना पैसे के जो है ना पैसे के पैसा चलाते पैसा ये हिसाब हो गया सही बात, पूछने वाले नहीं है सही बात, पैसे लेके वोट डालते।
वो बोलते नहीं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ऐसा ही साहब है भाई। वक्त आते वोटिंग आता आने से पहले हम ऐसा करेंगे, उनको नहीं डालेंगे वो डालेंगे बोलते। वोट इलेक्शन करीब आने के बाद हमारे जज्बात अंदर से आते, हम किसको डालना है वो डाले तक हमारे नींद नहीं आती। हमारी मजबूरी है, वो डालना जरूरी है, डालना पड़ता। क्या हम नहीं डालना उससे दुश्मनी कर लेते बैठेंगे? नहीं चलता। हमारे जिसको डालना है वो हमारा फर्ज है, डालना है डालना ही डालना। वोट डालते मजबूरी में डाल रहे भाई, काम तो कोई नहीं कर रहा। हाउसिंग बोर्ड पूरा सर्वे करो, 700 से 800 करा है, कोई गली में कोई फैसिलिटीज नहीं है, ना करंट की है। ये बुरु ने भाई, ये घर के सामने खम्भे तक हम लोग साफ कर ले बैठे, खम्भे तक घर के सामने खम्भे तक साफ करे हम लोग। ये 12 साल से वो लटके हुआ है, 12 साल से वो काटिया लटके। आप जो है ना आगे चलकर हमारे एवन टीवी के इससे किसको क्या बोलना चाह रहे हैं ये बोलिए। एमएलए काउंसलर डीसी साहब और जो म्यूनसिपालिटी कमिश्नर चेयरमैन साहब, इन लोगों को हमारी गुजारिश है, हम लोगों के हालात हैं देख के हम पे तरस खा के हमारे परेशानियों को हल करो जितना हो सके। हमसे जो बोलना था हम बोल दिए। साल में पानी का बहुत बड़ा मसला है। चलिए साहब जरा सर टैंक के पास जाएंगे रघु भाई के। अब वो एक ये पूरा सर्वे करो साहब, होना रहा तो यहाँ सामने देखो बारिश आके बारिश आया तो इतना पानी ठहरता है यहाँ पे कि अगर छोटे बच्चे कोई जो होश नहीं तो बच्चे अगर निकल गए तो मर जाते। इतना पानी ठहरता, घुटने बराबर पानी ठहरता। रोडा ड्रेनेज लाइन डालने के चक्कर में रोडा हाइट कर दिए, खोद के अंदर भी डाल सकते थे, नहीं करे। एक जना बोलिया हाउसिंग बोर्ड से, एक जना बोलिया इंजीनियर बोलने वाला, ये खोद के अंदर डालना सही तरीका है, ऊपर डाले तो हमारे घर अंदर होते बोल के बहुत कंप्लेंट दिया, सब करा, फिर भी वो नहीं सुने। ड्रेनेज लाइन हाइट कर दिए, घर अंदर हो गए और आज घर के सामने है नहीं। अब घर में पानी घुसता बोल को घर के नहीं हाइट कर दे रहे, रोडा अंदर रोको पानी या ठहर को घुटने बरोबर पानी ठहर रहा, बच्चे मर जा रहे हैं उसमें। इतनी परेशानी है हमारे को कोई देखने वाला नहीं है। क्या बोलते हैं लावारिसों के हिसाब हो गया हमारा, खाली वोट आधार ले रहे जा रहे, वोट आधार ले रहे जा रहे, खलास दिख रहे नहीं। मरने की नौबत आ गई है। ಮಾತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, उनके तरफ से ना सब जनों को पानी की सहूलत है, उन्होंने टैंकर बिठाने से तो गरीब लोग यहाँ से आके नहीं पानी भर लेके जाते, बोर का पानी है। दूसरे लोग यहाँ से सब्जियां भर लेके जाते हैं, उन्होंने बिल भर लेते ये सब बांट ले रहे रखू भाई। और ये जो काटिया वगैरह है ये सब भी रास्ते बंद थे, उन्होंने कभी भी है ना वो जेसीबी को लगा तो है ना वो भी रास्ता साफ करा देते। और ये जो रोड है रोड पे कटिंग उन्होंने करते पोकलेन कुला को, नहीं बोले तो है नहीं दूसरे है नहीं कोई भी यहाँ को देखने वाला नहीं है, पूरे झाड़। जब पानी भरते बच्चे वो जो भी तो देखो कैसा है रास्ता, देखो आप इसमें कीड़ा अगर सांप बिच्छू क्या भी हो गया तो किसकी जिम्मेदारी? ये काउंसलर की जिम्मेदारी है ये, क्या बने उन्होंने काउंसलर? और ये देखो ये सब भी कैसा है, देखो थोड़ा हरियाली है। हाँ कोई भी रात में भरते दिन में भरते, बच्चे आते बड़े आते बूढ़े आते, कैसा है बोलो? देखो शाम पहुँच जाते हैं यहाँ पे, हरियाली है यहाँ पे ज्यादा, क्या दूर दूर तक एक लाइट नहीं है, यहाँ से पूरा बाईपास तक एक लाइट नहीं है यहाँ पे, क्या रोड सही नहीं है, एक तो लाइट नहीं है यहाँ पे और पानी की तो सहूलत ही नहीं है यहाँ पे। ये रफू भाई बिठाने से बहुत से जनों को सहूलत हो गई सर, बिल भी उन्नत भर लेते हैं। और कोई बोलना चाहते अम्मा मातरम।
बेहतरीन बात करती जो कौंसलर ऐन इन प्रॉब्लम चेक दिन बर हूर सण हर कर्क ना हे बरबर करेंटर मोटर नोड़े कौंसलर मन तन भी हम के बंद सर यार माते कल मुनिपाली मोटर खराब बजार हटारे बच्चों को वायर अंगे खुल लेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि इन लोगों का दर्द कितना है आप लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कौंसलर हैं वार्ड नंबर 33 के कौंसलर उनसे एक आवाम की तरफ से मैं तो उनको अपील नहीं करना चाहिए और आवाम से अपील तो आवाम की तरफ से एक अपील करता हूँ कि इन लोगों के जो जो मामला थे जैसे कि सबसे बड़ा पानी का मामला है वो और जहाँ लाइट का मामला है यहाँ पे जो साफ सफाई का मामला है ये तमाम चीज़ें अगर जल्द से जल्द अगर हल करें तो इन लोगों को काफ़ी राहत होगी। और मैं ख़ास तौर पर डॉक्टर शिवराज पांडे से भी अपील करूंगा कि वो यहाँ पे आए इन लोगों का दर्द सुने और इनके दर्द को इनके पानी की सहूलियात को सबको हल करें और मैं म्युनिसिपैलिटी से भी अपील करता हूँ कि वो भी यहाँ पे आए और जल्द से जल्द इनके कामों को मुकम्मल करें। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड